दुनिया में ऐसा कोई मुकाम या मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर हो। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला आदि जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग इस दुनिया में हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि इन सभी लोगों के पीछे सफलता का राज क्या है? ये सभी लोग अलग अलग जगहों से आकर अलग अलग क्षेत्र में सफलता के नए शीर्ष स्थापित करने वाले लोग हैं, लेकिन इन सभी के पीछे सफलता का एक ही कारण रहा है और वो ये है कि इन सभी व्यक्तियों ने कभी यह नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि इन्होंने अपने मन में यह सोच लिया था कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मेरा इस दुनिया में जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ है। इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया में सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया और इन्होंने इसी सोच के ताकत के दम पर पूरी दुनिया में एक बार फिर से इस सच को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है, बस जरूरत है एक दृढ़ सोच और कभी न टूटने वाले हौसले की। अगर आपने भी कुछ मुकाम या लक्ष्य अपनी जिंदगी के लिए बनाया है तो बिना सोचे समझे, बिना किसी की सुने उस लक्ष्य को, उस मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए और अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं किसी के रोकने से भी नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक ना रुको जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हों, लेकिन कोई तो ऐसा फील्ड होगा जिसमें आप सबके बाप हों। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जाती क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद को दुनिया के अनुसार बदल देते हैं। अब मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर सवेरे मेरा पैशन ही मुझे जगा देता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठें तो कोई बैठा ना रहे। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है कि आपके किरदार से खुशबू आए। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, जिस मछली में जान होती है वह रास्ता अपना खुद बनाती है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों से चलकर कुछ बनाने की ठान लो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसियाना बना लेता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आपसे नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सोचने की कोशिश नहीं की। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से ही तराशा तो जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नहीं पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती हैं।